नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिम तक पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए कर्णमूल के आधार पर जो एक नोटिफिकेशन या आप ये समझ सकते कि जो पॉलिसी सरकार द्वारा अपडेट की गई है उसकी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो अगर पसंद आती, जानकारी से आप संतुष्ट होते हैं तो हमेशा की तरह हमारी वीडियो को आप लाइक करिएगा ताकि हम आपको जानकारी देते रहें। तो जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी वो थी 7 मार्च को ये जारी की गई थी। 7 मार्च 2019 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। या ये समझ लीजिए कि ये पॉलिसी की जो जानकारी वो वित्त विभाग या फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा आपको दी गई थी। इसमें कुछ चेंजिंग हुई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी बनी है कॉम्पैशनेट गवर्नमेंट जॉब्स की जो इन्फॉर्म जो इंतज़ार कर रहे हैं ये कर्णमूल के आधार पर या अनुकंपा आधार पर कह सकते हैं इसको आप, तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी की गई। उसमें कुछ चेंजिंग हुए हैं, वो चेंजिंग क्या पूरी जानकारी के लिए आप लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुकंपा आधार पर नौकरी होती क्या है और मिलती किस प्रकार से है। बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, वो लोग जिनको पता तक नहीं है कि अनुकंपा आधार पर नौकरी मिलती किस प्रकार से है और क्या करना पड़ता है जॉब के लिए, जॉब कौन सी होती है, कौन सी पोस्ट, कौन सी कैटेगरी की पोस्ट पर आपको जॉब मिलती है। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि जॉब किस प्रकार से मिलती है आपको, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कर्णमूल के आधार पर ये जॉब मिलती किस प्रकार से। मान लो कि आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और वो ऑन ड्यूटी या किसी दुर्घटना में एक्सपायर हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए वो, तो उसके बाद फिर सरकार जो है वो उनके बदले आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को एक सरकारी नौकरी या उन्हीं की तरह किसी सरकारी पद पर अपॉइंट करेंगे। ये कर्णमूल के आधार पर नौकरी मिलती इस प्रकार से आपको। अब जो एक पॉलिसी बनाई गई है 7 मार्च 2019 को, तो वो जानकारी हम आज आपको देने वाले। तो हिमाचल प्रदेश कॉम्पैशनेट ये जो ऑप्स की नोटिफिकेशन है और इसमें पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो को शुरू कर दिया आगे। तो मेन जो था इसमें कि ये कर्णमूल के आधार पर नौकरी पॉलिसी में बदलाव आपकी हो चुका है। आप जो इससे पहले जो पॉलिसी थी उसमें कुछ कंडीशनें रखी गई थी। मान लो कि अगर 50 साल से आपकी आयु ऊपर है तो फिर आपके जो परिवार के सदस्य थे उनको ये जॉब नहीं मिलनी थी। बहुत से लोग जिनको जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको पता होगा क्या हम कह रहे हैं, और जिन लोगों को पता नहीं है कि ये होता क्या पॉलिसी बात क्या कर रहे हैं हम, तो वो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको भी जानकारी मिल सके कि क्या होती है जॉब्स और कैसे सरकार आपको देती है और क्यों देती है। अब जो मेन था इसमें कि आय सीमा जो थी इसमें बढ़ाकर आप 2,25,000 रुपये कर दी गई आपकी। इसमें भी कंडीशन कुछ रखी गई है, कंडीशन क्या है वो हम आपको बताएंगे। पहले जो आपकी आय थी या इनकम थी वो थी 1,50,000 रुपये पर ईयर। इससे ऊपर अगर आपकी इनकम थी तो फिर आपको जॉब्स नहीं मिली होगी। और बहुत से लोग हैं जिनको जॉब्स इसलिए नहीं मिल रही है, आपकी नियुक्ति इस प्रकार से आपको नहीं किया जा रहा है अपॉइंट, क्योंकि जो आपकी इनकम है ये बहुत ज़्यादा, जो आपको इनकम ये बताई हुई है पहले थी 1,50,000 तक, और जिनकी 1,50,000 से ऊपर थी 2,00,000 तक, उनके लिए फिर ये नौकरी के मामले जो आपके लटके हुए अभी तक, हो सकता है कि उसी की वजह से ये मामले लटके हुए। इसमें कुछ और चेंजिंग हुई है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो अगला जो पॉइंट है कि जो मृतक के परिवार है, मैंने आपको बता दिया कि 2,25,000 रुपये आपकी अब आए जो इनकम है होनी चाहिए, इससे ऊपर हुई तो पहले थी 1,50,000, अब इसको बढ़ा दी गया है 75,000 इसमें और बढ़ा दी गया है। तो अब क्या होना है वो हम आपको बता देते हैं। अब मान लो कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, आप है, आपके भाई है, बहन है, आपकी मम्मी है या पापा है, जो भी है, आप लोग 4 सदस्य हैं आपके परिवार में। अब जो आपकी इनकम है वो 2,25,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मीन्स के जिनके आपको पता है कि इनकम का सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनता है वो भी हम आपको थोड़ा सा इसमें जानकारी दे देते हैं। इनकम का सर्टिफिकेट पहले बनता था कि ठीक है मैंने इनकम का सर्टिफिकेट बनाना है, तो इनकम का सर्टिफिकेट मैं जाऊंगा वहां पर प्रधान से या पटवारी से लिखवा के वहां पे सेक्रेटरीट में जाकर पूरा जो ऑनलाइन बनता था या ऑफलाइन वो बना लेते थे हम। अब उसमें कुछ चेंजिंग ऐसी हुई कि इनकम का अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो हेड ऑफ फैमिली जो है वो जाएगा, उनकी स्वीकृति के बिना आपका ये इनकम का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा।
आय की बात हो रही है इसलिए हम आपको इनकम सर्टिफिकेट की जानकारी दे रहे हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं इसमें। आप अगर हेड ऑफ फैमिली जाएगा तो उसके साथ साथ आपको पता होगा जिन लोगों ने इनकम का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है उसमें हेड ऑफ फैमिली आएगा पहले नंबर पर, उसके बाद जो परिवार के सदस्य हैं उनके नाम आएंगे। और अब जो मान लो कि आपके ये चार सदस्य आपके परिवार में हैं, आप सोचोगे यार कि हमने तो बताया ही नहीं कि इतने सदस्य या उतने सदस्य हैं, तो जो आपको इनकम का सर्टिफिकेट बनाकर जो भेजना है पुलिस डिपार्टमेंट को या किसी भी डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो जिस भी विभाग को आपने ये इनकम का सर्टिफिकेट अपना भेजना है कर्ण मौलिक के आधार पर जो आपको या कॉम्पैशनेट ये जॉब्स जिनका आपको इंतज़ार है, तो आपको इनकम जो बनाना है उस पर आपके पूरी फैमिली के और कितने सदस्य हैं और कितनी इनकम है वो आपके लिखी होगी उस पर। फिर अगर आपकी एक रुपये भी है, अगर 2,25,000 रुपये से एक रुपये भी अगर ऊपर हुआ तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये नोटिफिकेशन में स्पेशल कहा गया इस बात को कि अगर एक रुपये भी आपकी इसमें इनकम होती है इससे ऊपर तो आपको फिर सरकारी नौकरी अनुकंपा आधार पर नहीं मिलेगी। हालांकि जो बात होती थी पहले कि एक फिल्म भी देखते होगे आप, मूवी भी देखते होगे कि जब कोई सरकारी कर्मचारी शहीद होता है तो फिर उनके परिवार को सरकार एक गर्व के साथ नियुक्ति पत्र देती है। अभी जैसे कांगड़ा के जो शहीद हुए थे हमारे तिलक जी, उनके परिवार के सदस्य को जॉब दी गई है, तो जो मीडिया हाईलाइट करता है उनको जॉब दे दी जाती है, जिनको हाईलाइट नहीं करता है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय जो भी उनको भी मान्यता नहीं मिलती। आप मेरी बात से सहमत होगे तो आप वीडियो को लाइक करें और अपना तो रिस्पॉन्स है कि आप क्या समझ रहे हैं और आपको क्या लग रहा है तो कमेंट में हमें आप बताएं। तो जो लोग चार सदस्य उनकी इनकम होगी 2,25,000 रुपये, और जो अधिकतम जो अगर मान लो आप तीन सदस्य आप है, आपका भाई आपकी बहन है, तो जो आपकी इनकम होनी चाहिए वो 1,68,000, ये 1,68,715 रुपये आपकी होगी। इससे एक रुपये भी ऊपर हुआ तो फिर वही सिचुएशन और वही कंडीशन आ जाएगी, फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे और फिर इसी प्रकार से आपकी फाइल 2004 से है, 2005 से है, 10 से है या 14 से है, तो वो 14 से 24 तक या 34 तक 2034 तक फिर आप इंतज़ार करते रहेगा। अब जो मेन इसमें अगला जो पॉइंट था कि अगर सदस्य संख्या 2 है, आप है, आपके मदर है, तो आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 1,12,000 रुपये होगी, 1,12,500 रुपये आपकी इनकम होनी चाहिए, इसमें ये बताया हुआ है। मान लो कि आप चार सदस्य हैं तो चार सदस्यों के लिए इनकम जो 2,25,000 रुपये होगी, और तीन सदस्य जो रेड कलर में हाईलाइट हमने किया हुआ है इसमें एक सदस्य अगर, तो क्या होगी इसके लिए, तो तीन सदस्यों के लिए 1,68,750 रुपये होगी, 1,00,000 बताया हुआ है 68,715 रुपीज़, और दो सदस्यों के लिए 1,12,500 रुपये इसमें होगी। अब मान लो कि आप है ओनली सिंगल, आपके मदर और जो फादर है वो हो गए एक्सपायर, या इसी प्रकार से वो एम्प्लॉय थी और आपको उनकी जॉब चाहिए, तो फिर आप क्या होना चाहिए इसमें कि आपकी जो इनकम है वो 56,250 रुपये होनी चाहिए। आप 51 से 250 लिखा हो इसमें 56,250 रुपये से अगर 251 हो गए तो सरकारी काम कैसे होते आपको पता होगा कि फिर आपको नौकरी नहीं मिलेंगी इसमें। इस प्रकार से और भी कई कंडीशनें लगाई गई है और कुछ जानकारी जो हम आपको अगले उसमें दे देंगे नोटिफिकेशन में कि क्या नोटिफिकेशन निकली थी। अब जो सरकार ने इससे पहले जो 50 साल वाली जो शर्त थी उसको ख़त्म कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि शर्त क्या थी, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस नौकरी के लिए, इस पॉलिसी के लिए या सॉरी इस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट शिमला भेजे हुए हैं, परंतु फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि जो 50 साल वाला ये जो फंडा था कि 50 साल से पहले अगर या बाद में किसी की 50 साल के बाद अगर किसी की कोई एक्सपायर हुआ है, आपका पेरेंट्स या आपके जो भी एक्सपायर हुए जिनके बदले आपको जॉब चाहिए या आपको सरकार पर डिपेंड कर रहे हैं, तो अब इसको ख़त्म कर दिया है। अब मेन से यही होगा कि जिस दिन मान लो कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके फादर ही मान लो कि आपके फादर आज उनकी रिटायरमेंट है और आज ही उनकी कुछ आप उनके साथ हादसा हो जाता है, तो आप उनकी जगह नौकरी पाने के लिए फिर पात्र होगे इसके लिए।
तो आश्रित नौकरी पाने के लिए पात्र होगा। मान लो कि आपके रिटायरमेंट वाले दिन भी अगर आपको कुछ हो जाता है, जो सीनियर सिटीजन देख रहे हैं या जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए हम आपको बता रहे हैं पूरी तरीके से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हम कोई और जानकारी आपको नहीं देने वाले, सिर्फ आज हम आपको यही जानकारी देने वाले। बाकी इन्फॉर्मेशन तो हम आपको डेली देते रहते हैं इस चैनल पर। तो ये जानकारी देने का मकसद हमारा यही है कि आपको अच्छे से जानकारी दे और पूरी तरह से समझाए कि क्या चेंजिंग इसमें हुई है। तो हिम तक पर आप बने रहेंगे मेरे साथ, इस चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको देते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये चेंजिंग आई है। अब जो इसके साथ साथ एक और पॉलिसी इसमें बताई गई थी कि रिटायरमेंट की शर्त जो थी इसको ख़त्म कर दी गया है, और ये नई पॉलिसी जो है 50 साल वाली जो स्कीम थी या जो प्लान था सरकार का, इसको ख़त्म कर दी गया। इसमें सिर्फ एक कंडीशन रखी गई कि 2,25,000 पे आपकी जो ये इनकम होनी चाहिए। और इसमें सिर्फ एक बात हम आपको बता देते हैं, मान लो कि आप ये जॉब करना चाहते हैं, आश्रित परिवारों की बात हम कर रहे हैं, तो जो ये लिमिट रखी गई है 2,25,000 रुपये, इससे अगर आपके 1 रुपये भी अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, वो आपकी स्क्रीन पर आप आ रहा है। परिवार की आय में मृत कर्मचारी की पेंशन, किराए, जमीन, ब्याज से होने वाले सभी तरह की आय को शामिल किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल जारी की गई है उसमें ये जानकारी आपको दी हुई है कि परिवार की जो आय, इसमें मृत कर्मचारी की जो पेंशन है वो जोड़कर, जमीन जो है वो जोड़कर, ब्याज जो होने वाला उसमें वो जोड़कर, तो सभी जो आय आपकी टोटल बनेगी, आपकी जो रेवेन्यू बनेगी आय, उसको जोड़कर फिर आपकी इनकम बनेगी। और इनकम अगर 2,25,000 रुपये से ऊपर बन गई आपकी, तो फिर आपको कभी ये जॉब नहीं मिलेगी। इस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, अपनी ओर से कोई सूचना आपको नहीं दे रहे हैं। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसके हिंदी में हमने ट्रांसलेट इसको किया था, पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जो लोग पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, और जिनको कुछ और जानना होगा वो हमें बता सकते हैं। अब बहुत से लोग जो कमेंट कर रहे थे कि उस पर हम आप ये जो कर्णमूल के आधार पर जो अभी मामले लटके हुए कोर्ट में, इसकी हमें इन्फॉर्मेशन दे, तो इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब देना अपना आजकल में, तो उसमें सरकार क्या कहती है। अब एक तो बात ये क्लियर है कि ये पॉलिसी का जिक्र होगा सुप्रीम कोर्ट में कि पॉलिसी जो है ये बना दी गई है, और पॉलिसी क्या किया उसमें एज की जो कंडीशन थी ये हटा दी गई अब, कि 50 साल की जगह आप अगर 57 साल की आयु में भी अगर आपके रिटायरमेंट वाले दिन भी आपको कुछ हो जाता है, कुछ मेसिन हैपनिंग आपके साथ हो जाती है, तो फिर भी आपको ये जॉब मिलेगी। एक तो बड़ी बात ये इसमें, और दूसरी बड़ी बात जो है ये इनकम का जो पहले 1,50,000 रुपये थी, अब इसको बढ़ाकर 2,25,000 रुपये कर दी गई है, 75,000 रुपये आपकी जो इनकम थी वो बढ़ा दी गई इसमें। उसके बाद ये जो अदर कंडीशन रखी गई है, जैसे 4 मेंबर होगी तो इतनी सैलरी होगी, जो इतनी इनकम रखी गई है 2,25,000 और 1,88,000 अगर 3 है तो उनके लिए 56,000 है 2 के लिए, और फिर क्या क्या 88,000 2 के लिए और 56,000 फिर तीसरे के लिए। तो इस प्रकार से जो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो ये नोटिफिकेशन में जो जानकारी आपको दी गई है वही हम आपको जानकारी दे रहे। तो ये 56,000 1 के लिए और 2 के लिए क्या चाहिए 1,12,000 और 3 के लिए चाहिए 1,68,000। तो इस प्रकार से ये आपकी इनकम होनी चाहिए। जो लोग देख रहे हैं जिनको जॉब्स का इंतजार है इस कर्णमूल के आधार पर, वो नोटिफिकेशन की जो ये जानकारी, अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए होगी हम आपको लिंक दे देंगे, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हम आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप हमें अपने ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं किसी भी, तो आप हमें अपने ग्रुप से जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ये जानकारी जो नोटिफिकेशन में दी गई थी वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। विभाग वित्त के लिए क्या क्या होगा, किस प्रकार से ये नियुक्ति आपकी होगी, क्या क्या करना पड़ता है आपके लिए, थर्ड क्लास पर आपके लोगों की अपॉइंटमेंट होती है। परंतु मैंने अभी कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन देखी थी, एक प्रेस एक अखबार की कटिंग देखी थी मैंने, और उसमें UPSC का ग्रुप था जॉब स्टडी के लिए, वो ग्रुप बनाया हुआ था IAS वगैरह IPS के लिए, जिसमें डेली एक क्विज टाइप होती रहती है। तो उसमें वो बताया जा रहा था कि एक इस प्रकार के एम्प्लॉई हो गए, उनके जो पुत्र थे उनके बेटे को DSP की नौकरी दी गई है कर्णमूल के आधार पर। आप लोग सोच कर हैरान होंगे कि क्या हम सच कह रहे हैं।
फिर भी अगर मेरे पास वो जानकारी पहुंचेगी दोबारा कभी, तो वो हम आपको स्क्रीनशॉट पर या फिर इसी चैनल पर आपको हम दिखा देंगे, पोस्ट कर देंगे कि क्या जानकारी थी और कहां पर नियुक्ति की गई थी। तो बहुत से लोग हैं, बहुत से स्टेट है, अदर स्टेट है, वहाँ पर अलग से पॉलिसी बनाई जा रही है, पंजाब के लिए अलग है, हिमाचल के अलग है। और ये जो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है हिंदी में, इसको हमने ट्रांसलेट किया हुआ है। अगर आपको जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी आपके लिए स्क्रीन पर आ रही है, किस प्रकार से आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के लिए जो मेडिकल टायर होता है, इसमें पूरी जानकारी हिंदी में आ रही है, तो हिंदी आप पढ़ सकते खुद। तो 2 साल में अधिक समय से लापता है कोई, अगर आपका मान लो कि आपके जो पेरेंट्स अगर 2 साल से अधिक समय हो गया और लापता है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो पूरी हिंदी में सब कुछ बताया हुआ है। और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, क्योंकि टाइम जो हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी, जो सोचना आपके लिए ज़रूरी थी वो हमने आपको बता दी है। अगर आपको कुछ और जानना है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, आने वाली जितनी अपडेट्स होगी कर्णमूल के आधार पर वो हम आपको दे देंगे। जो मेन था आपकी जो अनुकंपा रोजगार नीति जो थी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये जारी की गई थी और इसमें कुछ चेंजिंग हुई थी 18/1/1990 के बाद, इसमें संशोधन हुए समय समय पर, इसमें कई संशोधन किए गए सरकार द्वारा, फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा। उसके बाद जो अब 7 मार्च 2019 को ये जानकारी दी गई थी कि इस नोटिफिकेशन में कुछ चेंजिंग हुए है, वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये स्क्रीन शॉट हम आपको दिखा रहे हैं उसी नोटिफिकेशन के। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप www.himachal.nic.in/finance पर जाकर इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए होगा हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, या फाइनेंस वेबसाइट की जो हिमाचल प्रदेश फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आपको हाईलाइट होती वो दिख जाएगी नोटिफिकेशन की, जो नई पॉलिसी है कारण कैंप कॉम्पैसिनेट ये जॉब्स की, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो क्या क्या बदलाव हुए, पूरे हमने आपको जो जरूरी जानकारी थी वो दे दी गई। 50 साल की जो आयु थी उसको अब ख़त्म कर दी गई। आप जो भी आप जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उनके लिए क्या है, और पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। तो ये जो क्योंकि हमने आपको जानकारी दे दी है, इसलिए हम आपको सिर्फ अब शो कर रहे हैं कि जो पॉलिसी है उसमें क्या क्या किया गया है। सरकार ने नई पॉलिसी में 50 साल वाली जो शर्त थी इसको भी ख़त्म कर दी गया। तो ये थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो ट्रांसलेशन थी, वो हमने आपको करके बता दी कि जो मुख्य बातें थी आपके लिए। एक तो सीनियोरिटी वाली भी बात थी उसमें, वो हम आपको इसमें बता नहीं सके। साथ में जो भी इस प्रकार से इसमें जो चेंजिंग की गई है, एज की हो या आय की हो या फिर अपॉइंटमेंट की हो, तो पूरी जानकारी हम आपको दे चुके। आज के लिए इतने, नमस्कार, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।